नमस्कार, मैं हूं सोनिका और तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। मौजूदा समय में भारतीय कानून के मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका माना जाता है कि लड़कियां जल्दी ही मैच्योर हो जाती है, इसलिए दुल्हन को दूल्हे से कम उम्र की होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि चूंकि हमारे यहाँ पितृसत्ताक समाज है, तो पति के उम्र में बड़े होने पर पत्नी को उसकी बात मानने पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। ऐसे ही एक अनोखी घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आई है, जहां माँ और बेटे की शादी एक साथ ही हुई, एक साथ ही एक जगह पर। शायद ही आपने देखी होंगी ऐसी कोई शादी। एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में माँ और बेटी ने अपने अपने जीवन साथी चुने। 55 साल की बेला देवी ने पहले अपनी बेटी इंदु का कन्यादान किया और उसके बाद उन्होंने अपने नए जीवन साथी के साथ फेरे लिए। बेला के पति को गुजरे 25 साल हो गए थे, अब उन्होंने अपने देवर जगदीश के साथ बाकी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उनके पति के मरने के बाद देवर ही उनका सहारा बने, सभी ने उनको सपोर्ट किया। बताया गया है कि अगर शादी कर लोगी तो पैसा मिलेगा, इससे तुम्हारी बच्ची को और मदद मिल जाएगी। उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपना सहयोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिया। शादी करने की उम्र नहीं होती, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपना जीवन साथी चुनने के लिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।